हाय, वेलकम टू माय चैनल, जहाँ पे ह्यूमन माइंड के बारे में डिटेल में समझाया जाता है कि ह्यूमन माइंड कितना कैपेबिलिटी क्या है, कहाँ से कितना क्या क्या कर सकता है ह्यूमन माइंड। चाहे तो आपका लाइफ को साइड में रख के, ये जो प्रेजेंट लाइफ है उसको बाउंड्री लगा के नेक्स्ट लाइफ, नया लाइफ जी सकते हैं। नेचर ने दिया है, नेचर को कह नेचर ने दिया है, माइंड वॉन्डर करता है, तो वॉन्डर वॉन्डर करके कैसे आप उसको आपके हिसाब से पावर्स लेके आ सकते हैं उसके अंदर। लास्ट टू वीडियोस में बहुत कुछ बताया था, और भी आने वाली वीडियोस में बताते रहेंगे। आज के टेक्निक, आज कैसे टेक्निक्स टेक्निक्स कैसे टेक्निक कैसे यूज करेंगे सबकॉन्शियस माइंड को और यूजफुल और पक्का बनाने के लिए, और आपको आपके लिए यूज करने के लिए, और सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करे, आपके ड्रीम्स के साथ में, आपके गोल्स के साथ में काम करें। माइसेल्फ साइटो जना, ए लाइफ कोच। टेक्निक्स टेक्निक्स ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे टेक्निक्स है जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड आप कर सकते हैं। कुछ स्टोरीज के माध्यम से मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं क्लियर करता हूँ कुछ स्टोरीज के माध्यम से जाके, ताकि जल्दी से सबको क्लिक करे कि कैसे कैसे वो टेक्निक यूज करें। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टोरी बात करते हैं, फर्स्ट टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। एक गाँव में जहाँ के सबके ड्रीम्स पूरे हो रहे थे, उस गांव में एक यंग लड़की है। यंग लड़की का एम्बिशंस है, ड्रीम्स है उसके बाद, लेकिन कुछ तो एक चीज उसको लैग कर रहा है पीछे, उसको एक पीछे उसको खींच रहा है उसको, क्या? उसका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में कहीं तो उसका लिमिटिंग बिलीफ्स, लाइफ लिमिटिंग बिलीफ्स है कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी करके, वो जो फीलिंग जो वो लिमिटिंग बिलीफ उसको खींच रहा है, तो इसलिए उसका वो कर नहीं पा रहे हैं। वहां पे एक ओल्ड मैन, वो उसका ये सब देखने के बाद भी ओल्ड मैन को लगा कि एक ओल्ड मैन है, वाइस मैन था उधर, एक नॉलेजेबल आदमी था। वो आदमी उनको उनको लगा कि मैं इसको कुछ हेल्प करूं करके। उन्होंने क्या किया, चल तुझे बताता हूँ कि एक चीज क्या होता है। फर्स्ट टेक्निक के बारे में बता रहे हैं, तो उन्होंने एक सिंपल और एक प्रोफाउंड दिया, सिंपल एक पावरफुल पावरफुल चीज को, टेक्निक को उन्होंने उसको उनको उस लड़की को प्रेजेंट किया। क्या था? अफर्मेशंस। अफर्मेशंस में उन्होंने कंटिन्यूस उनको बताने के लिए बोला, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ऐसे जो पॉजिटिव अफर्मेशंस है वो कंटिन्यूस उनको बोलने के लिए बताया। वो लेडी बोलते गए अपने 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 पॉजिटिव अफर्मेशंस रोज सुबह शाम चैंट करने चालू कर दिया। तो स्लोली उनका माइंड रिप्रोग्राम हुआ। एक प्रोग्राम होने के बाद में उनका ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट होने चालू गए, और शी बिकेम कॉन्फिडेंट, कैपेबल ऑफ एनीथिंग, और शी हैड अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ, उसके लाइफ में अचीव करने चालू गए। दिस वाज द फर्स्ट टेक्निक। वो टेक्निक से आप भी यूज कर सकते हैं, आपके लाइफ को आप भी चेंज कर सकते हैं। आप एफर्मेशन से, पॉजिटिव एफर्मेशन से बहुत कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है। सेकेंड सेकेंड टेक्निक है, इस सेकेंड स्टोरी के हिसाब से बताते हैं। एक पियानो बजाने वाला है, अच्छा खासा टैलेंटेड है, इज ए वेरी बिग म्यूजिशियन, बहुत अच्छा बजाते हैं, लेकिन ही वॉज ही हैड ए स्टेज फियर, फियर था उसको, अरे यार मैं कैसे उसको रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज योर माइंड। आपके अगर माइंड को प्रोग्राम नहीं करोगे, आपके माइंड को आप उस तरह से ढालोगे नहीं, तो आप कितना भी टैलेंट रहो आप जिंदगी में एक्सपोज नहीं कर पाओते। तो ही हैड ए फियर, फियर 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 करते करते, तो उसका एक फ्रेंड ने उस फियर को रिकग्नाइज किया, तो उन्होंने उस फ्रेंड ने उसको उनको बताया कि आपको आपको एक आग बन करके विश्वास करना पड़ेगा कि आप एक बड़े स्टेज में बैठे हो, बड़ा क्राउडेड एरिया है, और उसमें उसके बीच में आप पियानो बजा रहे हैं, और एवरीबडी इज एंजॉइंग। ये विजुलाइज करना चालू करो, स्लोली 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 रोज सुबह शाम विजुलाइज करते करते, एंड एंड जो एक्चुअली जो हो गया, तो बड़ा एक स्टेज में ही हैड परफॉर्म्ड वेरी वेल, बिकॉज लॉ ऑफ एक्शन, उसका प्रैक्टिस तो उसको उनके पास था, लेकिन एक कोई तक लिमिटिंग बिलीफ था जो उस उनको रोक रहा था, उनका फियर का जो बिलीफ था उनको रोक रहा था। तो वो जब बैरियर निकाल दिया, तो व्हाट ही हैड उनका जो विंग्स सब चेंज हो गया, और ही वुड फ्लाई, और उन्होंने अच्छा खासा पियानो बजाना चालू कर। दिस इज सेकेंड टेक्निक।
ये टेक्निक कई लोग आप लोग को कोई भी रिलेट करते रहेंगे खुद की लाइफ से, तो स्टार्ट विश्वास करना चालू करो टेक्निक को। थर्ड थर्ड स्टोरी से बात करते हैं, थर्ड टेक्निक से बात करते हैं। थर्ड स्टोरी में एक एक लेडी है, लेडी शी हैड स्किल बहुत अच्छा था, आर्टवर्क बनाने पेंटिंग बनाने के लिए बहुत अच्छा स्किल था उसके पास उनके पास, लेकिन कहीं तो उनका ब्लॉक था कि मेरे को कुछ मुझे कुछ आ नहीं रहा, मुझे कुछ आगे नहीं आ रहा, मुझे कुछ आगे समझ में नहीं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो शी वॉज स्ट्रगलिंग विद दैट ब्लॉक एंड शी वॉज नॉट एबल टू डू क्रिएटिव थिंग्स, और उनके पास क्रिएटिव ब्लॉक था कि क्रिएटिविटी उनके पास आ ही नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या, उनका एक उनके दादाजी ने उस लेडी को पूछा कि एक्चुअली आपका आपको क्या प्रॉब्लम है करीब। तो उन्होंने स्वयं से बताया कि मेरा क्रिएटिव ब्लॉक है। तो उन्होंने एक टेक्निक उनको, थर्ड टेक्निक उनको बताया, ड्रीम डायरी का टेक्निक बताया। तो उन्होंने ये क्या है, तो उन्होंने रोज सुबह उठ के वो एक डायरी लो, डायरी में आपके ड्रीम्स के बारे में लिखना चालू करो, आप ड्रीम्स क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सब ड्रीम्स डायरी लिखना चालू करो। तो उस ड्रीम डायरी वो भी सुबह सुबह, तो ड्रीम डायरी से आपका सबकॉन्शियस माइंड लिंक रहता है, वो लिंक एक बार बन गया तो आपका क्रिएटिव ब्लॉक निकल जाएगा करके। तो वो लिखना चालू की, तो उसके पास सिंबल्स आए, उनके पास आइडियाज आए, बहुत सारे आइडियाज आए, वो आइडियाज को वो उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके उनका क्रिएटिविटी बढ़ गया, और शी वो शी शी एट वो क्रिएटिव ब्लॉक से बाहर आ गया। ये तीन टेक्निक्स हैं फिलहाल के लिए, तीन टेक्निक्स हैं। इन तीन टेक्स में खाली पॉइंट ऑफ दी, जो आइसबर्ग बोलते हैं ना, आइसबर्ग जो आइस का एक पहाड़ है, वो पहाड़ का एक टिप है खाली पॉइंट्स, उसके बाद तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं। ये तो ऊपर है, नीचे भी बहुत सारा टेक्निक्स है। वो टेक्निक्स, ये तीन टेक्निक्स, एक तो एफर्मेशन का टेक्निक है, सेकेंड इज विजुअलाइजेशन विजुअलाइज करने के लिए, और थर्ड इज ड्रीम डायरी का। ये तीन टेक्निक से सबकॉन्शियस माइंड यू कैन रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड एंड यू कैन अचीव एनीथिंग लाइफ। लॉ ऑफ एक्शन इज लर्न, लॉ ऑफ एक्शन तो जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, स्किल्स डेवलप करना जरूरी है, उसके साथ में जो ब्लॉक्स जो आपको आगे बढ़ने दे नहीं रहा है उसको रिकॉग्नाइज करके वो ब्लॉक्स को न्यूट्रलाइज करना है आपको। दैट इज सबकॉन्शियस बिलीफ का, सबकॉन्शियस ब्लॉक जो है वो उसके वजह से बहुत लोग आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे ही वैल्यू एडिशन के लिए, ऐसे ही टेक्निक्स के लिए, ऐसे ही जो टेक्निक्स है सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करने के लिए। अगर आपको ये सब वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक कीजिए, और कुछ डाउट्स है, कुछ 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 आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है, और थर्ड आप शेयर कर सकते हैं जिसको भी ये ब्लॉक है, आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर जन जन को ये ब्लॉक है, तो उनको भेज सकते हैं आप पेंटिंग, ये जो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। डू लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन क्लिक करें ताकि ऐसा वैल्यूडेशन सबसे पहले आपके ईमेल में आए। और एक व्हाट्सअप लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वो उस व्हाट्सअप में ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर वेबिनार आएगा, वेबिनार में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिस करने का, बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, कैसे आप आपके लाइफ को, आपके वाइब्रेशन को, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो सब टेक्निक्स उसमें बताया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाएगा। तो इसलिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो, और व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कीजिए, इसमें वैल्यू एडिशन आने वाला है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।